नमस्कार, मेरा नाम है रोहित शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके भरोसेमंद चैनल DHP न्यूज में। आज है तारीख 2 जून 2022 दिन गुरुवार। हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें आपको बताने वाले हैं। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप में से अधिकतर लोग वीडियो को तो पूरा देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही घंटी के बटन को भी दबाएं जिससे आपको हिमाचल की बड़ी अपडेट्स मिलती रहें। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं नॉनस्टॉप अंदाज से हिमाचल की बड़ी खबरें। SIT को मिली बड़ी सफलता, मामले में मास्टरमाइंड अरविंद समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा के पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड बिहार का रहने वाला अरविंद कुमार निकला। इस सारे प्रकरण की योजना अरविंद ने ही बनाई थी। पुलिस की विशेष जांच टीम ने मुख्य आरोपी अरविंद समेत 5 आरोपियों को 1-2 दिन के भीतर गिरफ्तार किया है। सभी बिहार के रहने वाले हैं। DGP संजय कुंडू ने बताया कि प्रिंटिंग प्रेस के अंशकालिक कामगार सुधीर यादव ने यह पेपर लीक कराया था। उसने यह पेपर बिहार निवासी दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड गोरेलाल के माध्यम से गौतम कुमार को दिया। इन चारों आरोपियों के बीच सुबोध कुमार ने बिचौले की भूमिका निभाई। इसके बाद पेपर एजेंटों को वितरित किया गया। एजेंटों ने आगे अभ्यर्थियों को पेपर हटाने के लिए दिया। DGP ने कहा कि मामले की कड़ियां जुड़ने लगी है, इससे अब जांच सही दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद बन गई है। मंडी जिले में बनी पुलिस की SIT ने 5 आरोपियों को मंडी जिला कोर्ट में पेश किया, जहां से इन्हें 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। SIT का मानना है कि इन 5 ने ही प्रश्न पत्र लीक करवाने में मुख्य भूमिका निभाई। प्रिंटिंग प्रेस से सुधीर यादव ने यह पेपर मार्च में लीक किया था। इस मामले में अब तक हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों से 121 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें 85 अभ्यर्थी, 3 अभ्यर्थियों के माता पिता, हिमाचल के 18 और बाहरी राज्यों के 15 एजेंट शामिल हैं। मामले में बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और हिमाचल के गिरोह शामिल हैं। अवैध रूप से काटे देवदार कायल के 74 पेड़, तनों के ठूंठ भी जलाए, वन रक्षक और रेंज अफसर निलंबित। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहडू में वन रेंज टिक्कर के जंगल में कायल और देवदार के करीब 74 पेड़ अवैध रूप से काटने का मामला सामने आया है। पेड़ काटने के बाद कुछ तनों के ठूंठ को जलाने का प्रयास किया गया है। मामला सामने आने के बाद वन रक्षक, रेंज अफसर को सस्पेंड कर दिया गया है। दोनों टिक्कर में रेंज अफसर वहां का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे थे। पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद जंगल से देवदार और कायल के बड़ी मात्रा में स्लीपर और कड़ियां बरामद हुई हैं। वन विभाग के अधिकारियों को अवैध कटान की सूचना 19 अप्रैल को मिली थी। इसके बाद टीम ने जंगल में तलाशी ली तो कई जगह पेड़ कटे हुए मिले। ग्रीष्मोत्सव में दर्शकों को नचाएंगे गुरु रंधावा और हंसराज रघुवंशी, प्रसिद्ध लोक गायक भी मचाएंगे धमाल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 2 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव 4 से 7 जून तक रिज मैदान पर होगा। ग्रीष्मोत्सव की सांस्कृतिक संध्याओं में इस बार पंजाबी और हिमाचली गानों का तड़का लगेगा। सांस्कृतिक संध्या में पंजाबी गायक गुरु रंधावा और हिमाचल के गायक हंसराज रघुवंशी के साथ ही पहाड़ी गायक विक्की चौहान तथा कुलदीप शर्मा मुख्य आकर्षण होंगे। 4 जून से शुरू हो रहे ग्रीष्मोत्सव में देर रात 10 बजे तक कार्यक्रम चलेंगे। दिन में पहाड़ी कार्यक्रम होंगे और रात को रिज पर स्टार नाइट में कलाकार रंगारंग प्रस्तुतियां देंगे। पहली बार होगा जब ग्रीष्मोत्सव में लोगों को पूरा दिन कार्यक्रम देखने के लिए मिलेंगे। DC आदित्य नेगी ने बताया कि ग्रीष्मोत्सव कार्यक्रम को यादगार बनाया जाएगा। इसमें पहाड़ी नाटी, खेल स्पर्धाएं, नृत्य प्रतियोगिता, रॉक बैंड प्रतियोगिता, पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र प्रतियोगिता, फैशन शो, कवि सम्मेलन, हेल्दी बेबी शो, फ्लावर शो, पुलिस सेना और होमगार्ड बैंड प्रतियोगिताएं होंगी। हिमाचल में 4 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार, ऊना में 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा पारा। हिमाचल प्रदेश में 4 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के सभी भागों में 2 से 5 जून तक मौसम साफ रहने की संभावना है। ऊना में बुधवार को अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ऐसे में मौसम साफ रहने की स्थिति में तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है और मैदानी कई भागों में लोगों को गर्म हवाओं से जूझना पड़ सकता है। हालांकि मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। इन क्षेत्रों के लिए अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी शिमला व आसपास भागों में सुबह से मौसम साफ बना रहा। मानसिक रोगी ने सड़क किनारे खड़े 30 वाहनों के शीशे तोड़े, सड़क से नीचे फेंक दी मोटरसाइकिल। हिमाचल प्रदेश के चंबा में ग्रामीण और शहर के कई इलाकों में सड़क किनारे खड़े किए गए 30 चौपहिया और दोपहिया वाहनों के शीशे मानसिक रोगी ने तोड़ डाले। इतना ही नहीं, कई जगह कई दोपहिया वाहनों को सड़क से नीचे फेंककर उन्हें क्षति पहुंचाई। मानसिक रोगी की पहचान चंबा निवासी के रूप में हुई है। बुधवार सुबह 2 से 4 बजे के बीच गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है। सुबह सैर के लिए निकले लोगों ने जब वाहनों के टूटे शीशे हुए देखे तो इसकी सूचना वाहन मालिकों को दी गई। वाहन मालिकों ने जब अपने वाहनों को देखा तो वे दंग रह गए।
उन्होंने गाड़ी को नुकसान पहुंचाने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बारगाह के पास आरोपी को पकड़ लिया, जो एक मानसिक रोगी है। पुलिस ने उसे घर वालों को बुलाकर उनके हवाले कर दिया। परिजन मानसिक रोगी को उपचार के लिए पठानकोट स्थित अस्पताल में ले गए हैं। हिमाचल में गृह रक्षकों को तोहफा, अब 26,492 रुपए मिलेगा प्रतिमा मानदेय, 2016 से एरियर भी, अधिसूचना जारी। हिमाचल सरकार ने प्रदेश के 5,000 से ज्यादा होमगार्डों को बड़ी राहत दी है। इन्हें 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 तक का एरियर सरकार की ओर से निर्धारित तरीके से नियमित समय में दिया जाएगा। इससे प्रत्येक होमगार्ड को करीब 2 लाख रुपए तक फायदा होगा। इसके अलावा इनके मानदेय में प्रतिमा 6,234 रुपए की वृद्धि की गई है। मानदेय बढ़ने की सूचना राज्य सरकार ने बुधवार को जारी कर दी। अब इन्हें प्रति माह 26,492 रुपए मानदेय मिलेगा। मानदेय बढ़ाने के निर्णय से प्रदेश सरकार हर माह अतिरिक्त करीब 3 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। नए वेतन फॉर्मूले के अनुसार 20,200 बेसिक पर 31% डीए और 30% धुलाई भत्ता भी शामिल है। यह वृद्धि पुलिस कर्मियों के वेतन भत्तों के समकक्ष की गई है। हिमाचल में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। हिमाचल प्रदेश में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर सस्ता हो गया है। उपभोक्ताओं को इस माह व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए 2,410 रुपए चुकाने होंगे। व्यावसायिक गैस सिलेंडर 135 रुपए सस्ता हुआ है। मई में व्यावसायिक गैस सिलेंडर 2,535 रुपए में मिलता था। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में इस माह कोई बदलाव नहीं किया गया है। घरेलू उपभोक्ताओं को मई के दाम भी एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। घरेलू उपभोक्ताओं को सिलेंडर लेने के लिए 1,105 रुपए चुकाने होंगे। पहल योजना से जुड़े उपभोक्ताओं को 31.83 रुपए की सब्सिडी बैंक खाते में वापस मिलेगी। वहीं प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। शिमला में पेट्रोल के दाम 18 पैसे व डीजल के दाम 44 पैसे बढ़े हैं। विकासनगर पेट्रोल पंप पर डीजल के दाम 83.44 रुपए व पेट्रोल के दाम 97.22 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए 18 जून तक करें ऑनलाइन आवेदन, शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर की सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थी 18 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह प्रवेश परीक्षा 10 जुलाई को चंडीगढ़ समेत प्रदेश के 10 परीक्षा केंद्रों पर होगी। तकनीकी विवि के अधिष्ठाता शैक्षणिक प्रोफेसर राजेंद्र गुलेरिया ने कहा कि पात्र विद्यार्थी उपरोक्त तिथि तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा से संबंधित जानकारी तकनीकी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। हमीरपुर के सैनिक राकेश का सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। लेह लद्दाख में तैनात भारतीय सैनिक राकेश कुमार की पार्थिव देह बुधवार सुबह हमीरपुर के झंझियानी स्थित उनके पैतृक घर पहुंची। परिवार के सदस्यों ने सारी रस्में निभाने, अंतिम दर्शन करने और श्रद्धांजलि देने के बाद पैतृक शमशान घाट में सैनिक सम्मान के साथ पार्थिव देह का अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर SDM बड़सर शशि शर्मा और पुलिस के जवान विशेष तौर पर उपस्थित रहे। झंझियानी पंचायत के जवान राकेश कुमार लेह लद्दाख में तैनात थे। वे भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट में तैनात थे। रविवार के दिन बीमारी के चलते उनका आकस्मिक निधन हो गया। सैनिक राकेश कुमार एक माह पहले ही छुट्टी काटने के बाद ड्यूटी पर लौटे थे, लेकिन रविवार को उपचार के दौरान उनका आर्मी अस्पताल में निधन हो गया। HPPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन तिथि बढ़ाई, अब 6 जून तक कर सकते हैं अप्लाई। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन करने से चूके अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया है। आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 जून तक बढ़ा दी है। पहले 26 मई आवेदन करने का आखिरी दिन था। लोक सेवा आयोग की वेबसाइट हांफने से बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए थे और इस संबंध में ईमेल से कई शिकायतें मिली थी। इसके बाद आयोग ने अंतिम तिथि 6 जून तक बढ़ा दी है। रिश्तों को किया शर्मसार, पिता ने अपनी 9 वर्षीय बेटी के साथ किया दुष्कर्म। हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला दुष्कर्म के मामलों का हब बनता जा रहा है। जिले से 2 दिनों के भीतर अब तीसरे दुष्कर्म का मामला रिपोर्ट किया गया। इस बार तो यहाँ एक शख्स ने बाप बेटे के रिश्ते को शर्मसार करते हुए अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म कर डाला। यह मामला अभी पांवटा साहिब से जुड़ा हुआ है। पीड़िता 9 साल की बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने इस मामले की शिकायत मिलने के बाद आरोपी पिता को अरेस्ट भी कर लिया है। पीड़ित बच्चे की माँ द्वारा इस बात की शिकायत पुलिस को दी गई थी। पीड़ित बच्चे की माँ ने पुलिस के पास दी गई शिकायत में बताया कि 31 मई को जब वो निजी कंपनी से ड्यूटी करके घर लौटी तो उसकी बेटी ने बताया कि 27 तारीख को जब वो स्कूल से लौटी तो पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बताया जा रहा है कि आरोपी पिता पहले भी उनके साथ ऐसा कर चुका है, हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है। माँ की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के अलावा IPC की धारा 376AB के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। दूसरी तरफ मेडिकल में बच्चे को दुराचार की पुष्टि हो गई है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही अपने जिले का नाम जरूर कमेंट करें।
आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। यदि आपके कोई भी सवाल या आपका कोई भी सुझाव हो तो आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा।